नमस्कार, चैनल में आपका स्वागत है। तो देखिए, आज हम जो ANM या GNM की प्रिपरेशन बच्चे कर रहे हैं, उसके लिए जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, उसकी तैयारी के लिए फर्स्ट क्लास आपके लिए डाल रहे हैं, जिसे आप डेमो भी समझ सकते हैं। और जिसको क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर कम से कम लाइक तो ज़रूर करें, और हो सके तो आप इसको में जो भी कमी लगती है या अच्छी चीज़ें लगती है वो कमेंट कर सकते हैं। देखिए, सर्कुलेटरी सिस्टम को हिंदी में परिसंचरण तंत्र कहते हैं। मैं मिक्सअप आपको करता चलूँगा, हिंदी इंग्लिश दोनों बताता रहूँगा, लेकिन मेरा मेन फोकस फिलहाल इंग्लिश वर्ड पर रहेगा, लेकिन दोनों को समझ में आएगा ये चीज़ें हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम या परिसंचरण तंत्र क्या होता है। देखिए, होता क्या है, हमारे जो बॉडी है उसमें बहुत सारी चीज़ें इधर से उधर ट्रांसपोर्ट होनी होती है। अब क्या क्या चीज़ें ट्रांसपोर्ट होनी होती है वो मैं आपको बता देता हूँ। ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है इधर से उधर जाना। जैसे आप ट्रांसपोर्ट के मीडियम पढ़ते हैं, कार, बस, वो हमें इधर से उधर ले जाने में हेल्प करते हैं। ऐसे ही ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है हमारे शरीर के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें इधर से उधर जाती है। जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हमारे हार्मोन्स, जो हमने खाना खाया है, वेस्ट प्रोडक्ट, ये सब चीज़ें इधर से उधर जाती हैं। तो इन्हीं चीज़ों को इधर से उधर जाने में जिस सिस्टम का प्रयोग होता है, उस सिस्टम को हम सर्कुलेटरी सिस्टम या परिसंचरण तंत्र कहते हैं। बड़ा इजी टॉपिक है, आपको अच्छा भी लगेगा जब स्टार्ट होगा, और जो जो क्वेश्चन इसमें मेन मेन आते हैं वो हम पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए हम समझ लेते हैं कि जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसमें तीन चीज़ें इम्पोर्टेंट होती हैं। तीन चीज़ों को हम डीप तक पढ़ेंगे। पहली चीज़ है हमारा हार्ट, दूसरी चीज़ है ब्लड, थर्ड है ब्लड वेसल्स। देखिए, मैं आपको एक बार एग्जाम्पल लेके इसको समझाने की कोशिश करता हूँ कि जैसे आपको छत तक, अपनी छत तक पानी पहुँचाना है, तो ऐसे ही हमें अपने पूरी बॉडी में, मान लीजिए ऑक्सीजन को पहुँचाना है, तो छत तक पानी पहुँचाने के लिए एक काम करती है, वो होती है मोटर। तो ऐसा ही हार्ट का काम है हमारी बॉडी में। मोटर, उसका काम होता है ब्लड को पंप करना, आगे भेजना, ठीक है। और जैसे पानी ऊपर जाता है, वाटर, वो हमारे शरीर में होता है ब्लड, ठीक है। और पानी किसी ना किसी पाइप के थ्रू जाता है, ऐसे ही हमारे जो ब्लड जिन पाइप के थ्रू जाता है वो ब्लड वेसल्स। मोटर का एग्जांपल इजी है क्योंकि यहाँ सिर्फ तीन ही चीज़ें हैं, मोटर, पाइप और वाटर। लेकिन समझने के लिए आप इसको समझ सकते हैं कि हार्ट हमारी मोटर है, ब्लड हमारा वाटर है, और ब्लड वेसल्स हमारे पाइप है। लेकिन काफ़ी डीप जाएंगे तो हमें पता लगेगा कि ब्लड वेसल्स भी तीन तरह के होते हैं, वो हम जाएंगे। फिलहाल मैं बता देता हूँ, एक होता है आर्टरीज, ठीक है, एक होता है धमनियाँ, सॉरी, एक होता है वेन्स, एक होता है कैपिलरीज, ठीक है, आपको समझते चलना है। आर्टरीज़ को हम धमनियाँ बोलते हैं। मैं जब समझाऊंगा, लिखवाऊंगा, तब एक एक वर्ड समझाऊंगा, फिलहाल ये इंट्रोडक्शन ही चल रहा है। वेन्स शिरा होती है, और कैपिलरीज़ को हम केशिकाएं बोलते हैं, हार्ट को हम हृदय बोलते हैं, ब्लड को हम रक्त बोलते हैं। तो देखिए, फिलहाल आप सिर्फ इतना ही समझे होंगे कि सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, क्योंकि मैंने इतना ही आपको समझाया है। अभी इसमें कोई ऐसी चीज़ें नहीं बताई है कि आपका कोई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आया। तो देखिए, इसमें तीन चीज़ें हमने पढ़ ली है कंपोनेंट में, कि ब्लड होता है या फिर वो हार्ट होता है या फिर कैपिलरीज होती है, ऐसे तीन तरीके की चीज़ें होती हैं। तो एक एक पॉइंट हम करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ेंगे ब्लड, ठीक है, आपको याद रखना है, ब्लड हम पढ़ेंगे। जितना डिटेल में जा सकते हैं जाने की कोशिश करेंगे। तो अब पढ़ते हैं कि हम ब्लड को क्या क्या कहते हैं, ब्लड के बारे में किस किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, वो इस वीडियो में हम आपको पॉइंट टू पॉइंट समझाते चलूँगा। एक क्वेश्चन बहुत बार आया है, एसएससी के एग्ज़ाम में भी इसमें पूछा गया है, और
GNM वगैरह के एग्ज़ाम में दोगे तो आप उसमें भी पूछने के काफ़ी चांसेस हैं कि जो ब्लड की स्टडी होती है यानी रक्त की जो पढ़ाई की जाती है। देखिए बायोलॉजी में अलग अलग ब्रांचेज होती है, जैसे आप डॉक्टर भी देखते होंगे कि कोई साइकेट्रिस्ट है या फिर कोई न्यूरो है या फिर कोई ऑर्थो है, तो वो अलग अलग डिपार्टमेंट है। किसी ने हड्डियों की पढ़ाई की है, किसी ने हमारे नसों की पढ़ाई की है, किसी ने हमारे मसल्स वगैरह की पढ़ाई की, तो सब की पढ़ाई के अकॉर्डिंग बायोलॉजी में या साइंस में बहुत सारी ब्रांचेज होती हैं, सबका नाम अलग अलग है। ऐसे ही कोई भी साइंटिस्ट या कोई भी बच्चा ब्लड की स्टडी करता है तो उसको हम हेमेटोलॉजी कहते हैं, हिंदी में भी यही नाम है। रक्त की पढ़ाई को क्या कहा जाता है तो हेमेटोलॉजी, यानी कोई अगर उस ब्रांच को पढ़ रहा है जिसमें ब्लड के बारे में पढ़ाया जा रहा है तो वो क्या पढ़ रहा है, हेमेटोलॉजी। ठीक है, एक क्वेश्चन ये बना। फिर आप 9th क्लास में पढ़ते होंगे कि भाई सेल्स, सबसे हमारी जो छोटी इकाई है वो सेल्स होता है, उसके अंदर न्यूक्लियस है, काफ़ी सेल मिलकर टिश्यू बनाते हैं जिसको ऊतक कहते हैं। टिश्यू काफ़ी टिश्यू बहुत टाइप के होते हैं, वो हम जब टिश्यू चैप्टर पढ़ाएंगे आपको तब बताएंगे, लेकिन फिलहाल ब्लड के बारे में याद रख लेना है कि ब्लड को हम लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। ठीक है, सेकंड पॉइंट आपको याद रखना है, रक्त को हम तरल संयोजक ऊतक कहते हैं। क्यों कहा जाता है, बच्चा बच्चा बता सकता है, इसको लिक्विड फॉर्म में है तो इसलिए इसको तरल कहा जाता है, क्योंकि ब्लड लिक्विड फॉर्म में है इसलिए इसको लिक्विड कहा जाता है। कनेक्टिव, ये हमारे पूरे बॉडी को एक चीज़ से जोड़ता है, इधर से उधर ट्रांसफ़र करने में सहायता करता है, यानी हमारे ब्लड को बोन्स सॉरी हमारे पूरी बॉडी को एक दूसरे से कनेक्ट रखता है, ट्रांसपोर्ट का काम करता है, इसलिए इसको कनेक्टिव या संयोजक कहा जाता है। और ग्रुप होता है इसमें सेल्स का, इसलिए इसको टिश्यू यानी ऊतक कहा जाता है। तो याद रखना है, ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया है वो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड, रक्त का निर्माण कहाँ होता है। देखिए आप कहते होंगे कि भाई ये खा लो उससे खा लो आपका ब्लड बनेगा, लेकिन वो ब्लड बनता कहाँ है ये आपको याद रखना है। ये बहुत बारी क्वेश्चन आया है, 6th 7th क्लास में आपको पढ़ा दिया जाता होगा, जिसको याद होगा तो मैं आपको बता दूँ, रक्त का निर्माण बोन मैरो में होता है। ठीक है, ये बोन मैरो क्या होती है मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन हिंदी में इसको अस्थि मज्जा कहते हैं। ठीक है, कोशिश कीजिए कि आप इंग्लिश वाला तो सिर्फ इंग्लिश में पढ़ने की कोशिश कीजिए, हिंदी वाला कोशिश कीजिए कि भाई आप इंग्लिश वर्ड भी थोड़े याद रखें, क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत बार इंग्लिश वर्ड भी पूछ लिए जाते हैं, क्योंकि वहाँ आ जाएगा रक्त की पढ़ाई को क्या कहते हैं, ऑप्शन में हेमेटोलॉजी होगा तो वो इंग्लिश वर्ड ही तो याद रखना पड़ेगा। ब्लड का फॉर्मेशन बोन मैरो में होता है, रक्त का निर्माण अस्थि मज्जा या बोन मैरो में होता है। देखिए बोन मैरो क्या होता है मैं आपको बता दूं, जो हमारी हड्डियां हैं उनमें कुछ पार्ट खाली होता है, खोखला होता है, और उस खोखले पार्ट को बोन मैरो या अस्थि मज्जा कहते हैं। ठीक है, लेकिन एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी आता है कि जब बच्चा एम्ब्रियो में होता है या भ्रूण में होता है या माँ के पेट में होता है तो उस टाइम उसकी बोन्स नहीं बनी होती, और बोन्स नहीं बनी होती तो उनकी बोन्स में खाली पार्ट भी नहीं होगा, और खाली पार्ट नहीं होगा तो बोन मैरो नहीं होगा तो उसका ब्लड कहाँ बनेगा। तो ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, तो इसको भी आपको याद रख लेना है, आपको नोट करते चलना है, या आप SS लेकर बाद में नोट कर सकते हैं, वो आपकी इच्छा है, क्योंकि मैं भी रुक नहीं सकता, अगर रुकूंगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो आप रोक कर भी इससे पूछ सकते हैं। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आया है, एम्ब्रियो स्टेज, भ्रूण
अवस्था। तो इस चीज़ को भी याद रखना है, जब बच्चा पेट में है, एम्ब्रियो स्टेज में है, भ्रूण अवस्था में है, तो लीवर यानी यकृत और स्प्लीन यानी प्लीहा में रक्त बनता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है, एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन भी आ सकता है। तो तीन चार क्वेश्चन आपको रिवाइज करते साथ के साथ भी चल सकते हैं। रक्त की पढ़ाई को यानी ब्लड की स्टडी को हेमाटोलॉजी कहा जाता है, जिसको हेमेटोलॉजी भी कहते हैं। ये कौन सा टिश्यू है, एग्ज़ाम में आ जाएगा, लिक्विड कनेक्टिविटी टिश्यू है, तरल संयोजी ऊतक है। ब्लड का फॉर्मेशन कहाँ होता है, तो आपको बताना है ब्लड का फॉर्मेशन बोन मैरो में होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, जब बच्चा एम्ब्रियो स्टेज में है, एम्ब्रियो स्टेज का मतलब होता है माँ के पेट में है, भ्रूण में है, उसमें हड्डियाँ नहीं बनी, तो उसका जो निर्माण है वो लीवर में या स्प्लीन प्लीहा में होगा। स्प्लीन आगे बहुत बार आएगा, आपको याद रखना है। रीजनरेट कहाँ होगा, RBC कहाँ मरती है, कहाँ उनकी डेथ होती है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ब्लड क्वांटिटी, रक्त की मात्रा मानव शरीर में या हमारे शरीर में खून ब्लड रक्त की मात्रा कितनी पाई जाती है। ठीक है, तो ये बेटा डिपेंड करता है कि मेल है या फीमेल है, दोनों में ब्लड की मात्रा अलग अलग पाई जाती है। मेल के अंदर मात्रा 5 से 6 लीटर होती है। ठीक है, एग्ज़ाम में क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि वो फिर कैसे पूछेगा, डबल डबल ऑप्शन तो देगा ही नहीं कि भाई कैसे होती है। तो ब्लड क्वांटिटी मेल में 5 से 6 लीटर, फीमेल में 4 से 5 लीटर होती है। आप इसको इस तरीके से भी याद कर सकते हैं कि हमारे बॉडी वेट का 7% ब्लड होता है, यानी बाय चांस मान लीजिए किसी लड़की में, लड़कियों में वेट कम होता है, 50 kg है, तो 50 kg का 7% 3.5, ठीक है, यानी 3.5 यानी 3.5 लीटर ब्लड है। लड़के में वेट 70 के आसपास होगा, तो 70 × 7% 4.9 यानी 5 लीटर के आसपास है। ठीक है, जितना वेट बढ़ता जाएगा, क्योंकि लड़कियों में मैक्सिमम 50 से 60 के आसपास होता है, कुछ में तो और कम होता है, 40 तो उनका ब्लड कम होता है। लड़कों में मोस्टली वेट ही जब वो एडल्ट हो जाते हैं 60 से स्टार्ट होता है। ठीक है, बच्चा है तो बच्चे में ब्लड भी कम होगा। ठीक है, ये एडल्ट का है एवरेज, जब आप 22-25 साल के हो जाते हैं तब आपकी ये क्वांटिटी है। ठीक है, बच्चे से कंपेयर नहीं करेंगे, क्योंकि बच्चा शुरू में होता है वो 5 किलो का भी हो सकता है, बड़ा होने के बाद वो 15-20 किलो का भी हो सकता है, तो उसमें 1-2 लीटर ब्लड होगा। ठीक है, तो ब्लड मैंने आपको बता दिया है 7% ऑफ टोटल बॉडी वेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चे बच्चे को पता होगा क्योंकि वो छोटी क्लासों में ही सिखा दिया जाता है, कलर ऑफ ब्लड, ब्लड का रंग कैसा होता है, तो बच्चा भी बता सकता है, कलर ऑफ ब्लड इज रेड, लाल, रक्त का रंग लाल होता है। लेकिन एग्ज़ाम में इतना आसान क्वेश्चन नहीं आएगा कि रक्त का रंग कैसा होता है, व्हाट इज़ द कलर ऑफ ब्लड, व्हाट इज़ द कलर ऑफ ब्लड, तो आपको रेड लगा दोगे, ऐसा नहीं आएगा। लेकिन ये ज़रूर आता है कि रक्त का रंग लाल क्यों होता है, यानी ब्लड का कलर रेड क्यों है, तब आपको बताना होता है। देखिए, बायोलॉजी में आपको पढ़ते चलना है, बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे कि गाय के दूध का रंग पीला क्यों है, पत्तियों का रंग हरा क्यों है। तो देखिए, कोई ना कोई पिगमेंट होता है जो उस कलर को या उस कलर के लिए जिम्मेवार होता है, वो आपको याद करना है। तो एक पिगमेंट है हीमोग्लोबिन, क्योंकि स्पेलिंग में थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, लेकिन आपको वर्ड जरूर याद कर लेना, हीमोग्लोबिन। तो हमारे जो ब्लड का कलर वो रेड इसलिए है क्योंकि उसके अंदर हीमोग्लोबिन पाया जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। अगर आप इसको तोड़ते भी हैं तो मैं आपको तोड़ के दिखा सकता हूँ, हीमोग्लोबिन। हीमो का मतलब होता है आयरन,
और ग्लोबिन को याद रखना है, जहाँ भी ग्लोबिन आएगा उसका मतलब होता है प्रोटीन, ठीक है। तो हीमो प्लस ग्लोबिन, हीमो आयरन होता है, ग्लोबिन प्रोटीन होता है, ठीक है, आपको याद रखना है। तो हमारे हीमोग्लोबिन जो बना है वो आयरन और प्रोटीन से बना है, ठीक है। आयरन भी बहुत तरह के होते हैं, एक होता है फेरिक, एक होता है फेरस, तो याद रख लेना। अगर किसी ने पूछा कि भाई हमारे ब्लड के अंदर कौन से टाइप का आयरन मिलता है, तो वो फेरस आयरन होता है, ना कि फेरिक, ठीक है। तो मैं उसको क्रॉस लगा देता हूँ ताकि आपको याद रहे। तो यहाँ से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यही है कि ब्लड का रंग लाल हीमोग्लोबिन के कारण होता है, ये तोड़ कर आपको नहीं पूछेगा, लेकिन ये जरूर पूछा गया है एसएससी के एग्ज़ाम्स में, कई बार एंट्रेंस एग्ज़ाम में एएनएम जीएनएम में आए, वो नहीं पता कि हमारे ब्लड में कौन सा आयरन है, तो फेरस आयरन हमारे ब्लड में होता है, ठीक है। किसी को कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कर सकता है। अगर वीडियो समझ में आ रही है तो हमारे जो जूम पर आप बैच लग चलते हैं उसको भी आप व्हाट्सअप करके 8800045381 पर मैसेज करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, 8800045381, ठीक है। तो प्लीज़ जिसको भी कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए, या आपको बैच परचेज करना है तो आप हमें यहाँ व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है, ऑनलाइन जूम पर, या आपको ऑफलाइन भी प्रोवाइड करा दिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आएगा क्वांटिटी ऑफ हीमोग्लोबिन, ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, हीमोग्लोबिन की मात्रा। देखिए बहुत सारे बच्चों में, मोस्टली गर्ल्स में देखा होगा कि हीमोग्लोबिन की क्या हो गई, कमी हो गई, तो ये आपको डॉक्टर आपके टेस्ट कराता है, फिर उसमें देखा जाता है कि भाई क्या होता है। तो देखिए टेस्ट वगैरह कैसे होते हैं और कैसे आप में बताया जाता है कि ब्लड कम है या ब्लड ज़्यादा है, तो वो इसी पर डिपेंड रहता है। देखिए आपका जो ब्लड लिया जाता है वो 100 ml के अंदर क्वांटिटी चेक की जाती है, ठीक है। आपके 100 ml के अंदर देखा जाता है कितने ग्राम हीमोग्लोबिन है, 10 ग्राम है या 12 ग्राम है या 18 ग्राम है, वो आपसे जो टेस्ट करते हैं लेबोरेटरी वाले वो चेक करते हैं, ठीक है। तो अब आप इसको देख सकते हैं, जैसे मेल है तो उसके अंदर 14 से 16 ग्राम पर 100 ml याद रखना है हीमोग्लोबिन होना चाहिए, लेकिन कोई फीमेल है, गर्ल्स है, तो उनके अंदर 10 से 12 ग्राम पर 100 ml हीमोग्लोबिन होना चाहिए, ठीक है, समझे आप। अगर कोई टेस्ट कराता है लड़का, उसके अंदर 10 ग्राम है, तो कहा जा सकता है कि इसके अंदर ब्लड की कमी है, लेकिन 12 ग्राम है तो चल जाएगा, 14-12 थोड़ा ज़्यादा कमी नहीं है। लेकिन लड़की चेक कराती है उसके अंदर 12 पाया गया तो वो बिल्कुल परफेक्ट है, 8 ग्राम पा गया तो थोड़ी कमी है, और 5-6 ग्राम पाया तो बहुत ज़्यादा कमी है, और ज़्यादा हीमोग्लोबिन होता है तो वो भी दिक्कत की बात है। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको याद करते चलने हैं। किसी को कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कर सकता है, आप उनसे पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बार मैं फिर से आपको दोहरा दूं, आप भी मन में दोहरा सकते हैं, स्टडी ऑफ ब्लड इज कॉल्ड हेमेटोलॉजी, ठीक है। ब्लड एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है, संयोजी ऊतक है, वो तरल संयोजी ऊतक है। हमारे ब्लड का रंग लाल हीमोग्लोबिन के कारण होता है। हमारे अंदर हमारे बॉडी वेट का 7% ब्लड होना चाहिए, ठीक है। मेल के अंदर 14 से 16 ग्राम और फीमेल के अंदर 10 से 12 ग्राम हीमोग्लोबिन की मात्रा होनी चाहिए। दोनों अलग है, ब्लड और हीमोग्लोबिन दोनों अलग अलग मात्राएं, याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ये थोड़ा सा कॉमन क्वेश्चन है, इसको आप समझिए। देखिए ब्लड रक्त, रक्त दो तरह का होता है भाई, आपको याद रखना है। एक होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये काफी मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, इसको हिंदी में ऑक्सीजन
युक्त, डी ऑक्सी जनेटेड ब्लड, यानी डी ऑक्सीजन युक्त। आप इसके सामने डी लगा के लिख सकते हैं। चलो मैं लिख देता हूँ, डी ऑक्सीजन युक्त। देखिए इसमें कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आपको बताऊँगा। ऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब जिस ब्लड में ऑक्सीजन है उस ब्लड को ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं, और उस ब्लड को प्योर ब्लड भी कहते हैं। प्योर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ऑक्सीजन का जो काम है वो हमारे खाने के अंदर से एनर्जी निकालना है, तो जिस ब्लड में ऑक्सीजन होगी तो वो हमारे लिए प्योर ब्लड कहलाएगा, क्योंकि उसके ब्लड के अंदर ऑक्सीजन है तो वो हमें एनर्जी देने में सहायता करेगा, और उस ब्लड का कलर बिल्कुल रेड होता है। लेकिन जब आप ऑक्सीजन का यूज़ करके खाने में से एनर्जी निकाल लेते हैं, तो वही ऑक्सीजन CO2 में बदल जाती है, यानी जिस ब्लड में पहले ऑक्सीजन थी अब उसी ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड है, तो वो ब्लड डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड बन गया, यानी इम्प्योर ब्लड बन गया, यानी अशुद्ध रक्त बन गया। समझ गए? अशुद्ध रक्त बन गया। ठीक है, इसको हम डार्क ब्लू ब्लैक रंग कहते हैं। ठीक है, कोई डाउट है तो आप हमें बता सकते हैं। इसको प्योर, इसको इम्प्योर ब्लड कहते हैं। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, एग्ज़ाम में पूछी जाएगी तो इस तरीके से पूछी जा सकती है कि प्योर ब्लड कौन सा है। ठीक है, क्योंकि अगर वो आपसे लिख देगा कि भाई ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन सा है जिसमें ऑक्सीजन है या नहीं, तो फिर वो क्वेश्चन काफ़ी इजी हो जाएगा। तो एग्जामिनर भी चाहता है कि बच्चों से चेक किया जाए कि उन्हें किसी चीज़ की नॉलेज है या नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अभी प्लीज़ किसी को डाउट है तो आप बता दीजिए हमें, हम आपके डाउट अभी क्लियर कर देंगे। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट। कंपोनेंट ऑफ ब्लड, रक्त के तत्व। रक्त के तत्व का मतलब है कि किस किस के अंदर ब्लड पाया, वो सॉरी ब्लड के अंदर क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं। देखिए अभी हमने ब्लड ही चल रहा है जो काफ़ी लंबा है ये चैप्टर, मैं बता दूँ कम से कम 3-4 क्लासेज में फिनिश होगा। इतना आसान चैप्टर नहीं है कि मैं आपको एक ही वीडियो में क्लियर करा दूं, एक एक घंटे की बनाऊंगा तब भी 4 क्लासेस या 3 तो कम से कम होगी। लेकिन उसके बाद आप ANM GN नहीं, किसी भी एग्ज़ाम में जो आपका ग्रेजुएट लेवल तक है, आप बायोलॉजी देंगे या बायोलॉजी पोर्शन सोल्व करेंगे सर्कुलेटरी चैप्टर का, तो आपसे इजीली हो जाएगा। तो के ब्लड में दो तरह के कंपोनेंट पाए जाते हैं, कुछ कंपोनेंट है जो सॉलिड हैं, जो ठोस हैं, लेकिन कुछ कंपोनेंट हैं जो लिक्विड हैं। यानी ब्लड के अंदर 4 कंपोनेंट पाए जाते हैं, एक लिक्विड है, 3 सॉलिड है। लिक्विड है वो प्लाज्मा है, जिसको हिंदी में भी प्लाज्मा कहते हैं, प्लाजो नहीं लिखना, प्लाज्मा। सॉलिड में 3 हैं, RBC, WBC, प्लेट लेट्स। ठीक है, तो देख सकते हैं आप लिक्विड में भी है, सॉलिड में भी ये चीज़ें कंपोनेंट जो ब्लड के हैं, RBC, WBC, प्लेट लेट। ठीक है, आपको ये याद करते चलना है। अब सबसे पहले लिक्विड जो पड़ा है वो है प्लाज्मा। ठीक है, देखिए सिंपल सा अगर कोई क्वेश्चन पूछे कि ब्लड लिक्विड क्यों होता है, तो मैंने अभी आपको बताया जो लिक्विड पार्ट है वो है प्लाज्मा, कि ब्लड के लिक्विड होने के पीछे एक ही रीज़न है, क्योंकि उसके अंदर प्लाज्मा पाया
जाता है एग्ज़ाम में क्वेश्चन इसी तरीके से पूछता है, ये नहीं पूछता कि लिक्विड पार्ट कौन सा है, यही पूछता है ब्लड इज़ लिक्विड ड्यू टू, रक्त तरल अवस्था में पाया जाता है क्यों, RBC, WBC, प्लाज्मा, प्लेटलेट, तो उसके पीछे आपको रीज़न लगाना है प्लाज्मा। ठीक है, अगर पूछा जाए कि प्लाज्मा का कलर कैसा होता है, तब आपको बताना है पेल येलो, पीला रंग इसका पाया जाता है। ठीक है, अब इसके पीछे इसका पीला रंग होने का कारण क्या है मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए, चलते हैं हम थोड़ा सा लीवर की तरफ इसको समझने के लिए। लीवर डाइजेशन चैप्टर में मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन यहाँ बता देता हूँ मैं, लीवर यकृत को कहते हैं, ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, लार्जेस्ट ग्लैंड है, लेकिन ये दो तरीके के जूस छोड़ता है। फर्स्ट कलर इज बिली वर्डिन, बिली वर्डिन का कलर ग्रीन होता है, ये उस जूस को या उस पिगमेंट को जो ये जूस बनाता है बाइल जूस पित्तरस में छोड़ देता है। अभी आप इसको एज इट समझिए, याद करने की जरूरत नहीं, मैं आपको डाइजेशन में इसको अच्छे से समझाऊंगा, लेकिन ये पॉइंट समझना। लेकिन लीवर एक कलर और बनाता है जिसको हम बिली रूबिन कहते हैं, बिली रूबिन कहते हैं, जिसका कलर येलो होता है, और ये बिली रूबिन प्लाज्मा में मिलता है और प्लाज्मा का कलर भी येलो होता है। तो समझने के लिए आप समझ सकते हैं, लीवर दो तरह के पिगमेंट छोड़ता है, बिली वर्डिन, बिली रूबिन, बिली वर्डिन का कलर ग्रीन और बिली रूबिन का कलर आपको याद रखना है येलो होता है, येलो कलर प्लाज्मा में मिलता है, प्लाज्मा येलो कलर का हो जाता है। लेकिन कभी कभार इसका एक्सेस हो जाता है, एक्सेस मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा हो जाती है, और जब एक्सेसिव बिलीरुबिन बनता है तब हमारा ब्लड सॉरी जब हमारा प्लाज्मा ज़्यादा येलो हो जाएगा, हमारी बॉडी भी येलो हो जाएगी, और उस बीमारी को जॉन्डिस कहा जाता है, हिंदी में उसको पीलिया कहते हैं, जब हमारा पूरा शरीर येलो पड़ जाता है। तो ये बीमारी आपको याद रख सकते हैं कि पीलिया या जॉन्डिस डिजीज़ है, वो लीवर के बिलीरुबिन एक्सेस के कारण होती है। ठीक है, कोई डाउट है तो प्लीज़ बताते चलिए, हम आपके सभी डाउट इसी वीडियो में क्लियर करते चलेंगे। ठीक है, प्लाज्मा का कलर येलो क्यों है मैंने आपको बता दिया, क्योंकि उसके अंदर बिलीरुबिन है, ज़्यादा बिलीरुबिन लीवर ने बना दिया तो एक बीमारी पैदा होगी जिसका नाम है जॉन्डिस, पीलिया। ठीक है, नेक्स्ट है कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा, प्लाज्मा के तत्व। अब प्लाज्मा सॉरी प्लाज्मा में क्या क्या पाया जाता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। फर्स्ट है वाटर, सेकंड है प्रोटीन, थर्ड है आयंस। ठीक है, आपको ये याद करके चलना है। अब प्लाज्मा के अंदर सबसे ज़्यादा पानी पाया जाता है, कितना पानी है वो मैं आपको बता दूँ, 90% के आसपास पानी उसके अंदर होता है, 8% के आसपास उसमें प्रोटीन होते हैं, और 1% के आसपास उसमें आयंस होते हैं। कौन से आयंस हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम। ठीक है, कैल्शियम को Ca और मैग्नीशियम को Mg कहते हैं। तो प्लाज्मा यही हमारा फिनिश हो जाएगा, लेकिन याद रखना है प्लाज्मा का कलर पेल येलो, ब्लड लिक्विड क्यों है ड्यू टू प्लाज्मा, बीमारी कौन सी होती है ज़्यादा बिलीरुबिन के कारण, जॉन्डिस। ठीक है, कोई डाउट है तो प्लीज़ बताइए, हम आपके डाउट को क्लियर जरूर करेंगे कि सर ये डाउट है या ये डाउट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको RBC, WBC और प्लेटलेट्स के बारे में पढ़ाने की कोशिश करूँगा, और टाइम बचा तो ब्लड वेसल्स भी पढ़ाएंगे, क्योंकि वीडियो आधा आध घंटे की रहेगी तो आप इजीली इसको देख भी सकते हैं। ठीक है, ऐसे आधा आध घंटे की चार पांच और एक एक घंटे की बनेगी तो दो तीन वीडियो में फिनिश होने के चांसेस हैं, बाकी देखते हैं कितना डीप चैप्टर जाता है, वो देखिए मेरे हाथ में नहीं है,
कम नॉलेज की जाएगी, तो वो होने को तो मैं एक वीडियो में फिनिश कर देता, लेकिन फिर आपका फ़ायदा नहीं है। ठीक है, किसी को कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए 8800453811 पे आप हमें मैसेज व्हाट्सअप कर सकते हैं। थैंक यू।